दुनिया का सबसे लंबा आदमी मिलेगा आपको टर्की में। इसका नाम है सुल्तान केसन। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की किताब ने जब इसे वर्ल्ड टॉलेस्ट मैन का टाइटल दिया तब इसकी हाइट 8 फीट 1 इंच थी, लेकिन इसके 2 साल बाद जब ये 26 साल का हुआ तो इसकी हाइट 8 फीट 2.8 इंच तक पहुंच गई। लेकिन इतिहास में इससे भी लंबी हाइट का एक इंसान रह चुका है, रॉबर्ट वाल्डो, जिसे जायंट ऑफ इलिनॉइस कहा जाता था। ये हिस्ट्री में सबसे लंबे इंसान रहे हैं, 8 फीट 11.1 इंच इनकी हाइट नोट करी गई। साल जुलाई 1940 में सिर्फ 22 साल की उम्र पर इनकी डेथ हो गई थी इसकी वजह से। इतनी लंबी हाइट के पीछे पिट्यूटरी जाइगेंटिज्म नाम का एक डिसऑर्डर जिम्मेदार है। हमारे ब्रेन में मौजूद पिट्यूटरी ग्लैंड ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है। जब किसी डिसऑर्डर या ट्यूमर के कारण ये ग्लैंड डैमेज हो जाता है तो बहुत एक्सेस या कम अमाउंट में ये ग्रोथ हार्मोन रिलीज कर देता है। इसी रीजन से सुल्तान केसर ना सिर्फ टॉलेस्ट इंसान है बल्कि इनके टॉलेस्ट हैंड्स भी हैं, टॉलेस्ट फीट भी है। इनके हाथों का साइज 28.5 सेंटीमीटर, पैरों का साइज 36.5 सेंटीमीटर। पहले ये किसान थे टर्की में, लेकिन 2016 में इन्होंने एक हॉलीवुड फिल्म में भी डेब्यू किया था।